ओह एवरेज 17 के एमपीएल 17 मेरी क्या गलती। आदत नहीं है ना नेकेड में मुझे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है वो, बट मुझे लगा एडजस्ट हो जाएंगे शायद, नहीं होते तो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे अरे आगे जाएंगे ब्रो। गाइस जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा बाहर को झांकना पड़ रहा है पीछे देखने के लिए, थोड़ा ज़्यादा दूर का पीछे देखने के लिए, पास का तो दिख ही जाता है, तो एक्चुअली वो जस्टिफाइड है क्योंकि अगर मिरर्स ज़्यादा बाहर को होते हैं ना तो मुझे बराबर पीछे का सब दिखता, लेकिन फिर वो जो ट्रैफिक फिल्टरिंग में NS जैसी देती है, नेकेड स्ट्रीट ही नाम है उसका, नेकेड स्पोर्ट्स है बट वो स्ट्रीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो इसका यही क्वालिटी है कि इसके जो मिरर्स है ना ये 12 इंच से बाहर नहीं जाते, तो फ्लिकिंग वगैरह के लिए आसानी हो जाती काफ़ी ज़्यादा। फिर भी अगर मिरर्स भी निकाल दिए ना फिर तो भाई अपना 12 इंच एकदम एक लेवल, और कुछ नहीं, ये हल्का सा हल्का कुछ ना के बराबर है, बट फिर भी लोग निकाल देते हैं क्योंकि फिर उनको फ्लिकेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही एक रीज़न है कि इसका मिरर्स थोड़ा सा दूर का देखने के लिए दोनों झुकना पड़ेगा, और मेरे पैर फेयरिंग वाली थी ना तो उसमें ऐसे बैठते हैं तो उसमें खाली आई बॉल्स घुमाओ थोड़ा सा नेक घुमाओ सब दिख जाता है, तो इतना डिफरेंस तो आता ही है स्विच करने में। और अगर मैं होता अपने टूरिंग बाइक पे तो मुझे सब दिख जाता भाई, तो मुझे भाई यहाँ से जापान दिख जाता। ओह माय गॉड वाओ यार, मतलब USD के बहुत बहुत तगड़े है भाई, USD होने के बाद भी गड्ढे वड्डों में मुझे ऐसे ये आ वो नहीं हो रहा है ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा ये किया है। अब वो कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ को नहीं आएगा, मैं मीडियम साइड बीच के इसमें हूँ थोड़ा, कि ये तो है ही कि मतलब उतना जब स्टिफ होते हैं ज़्यादा सस्पेंशन जो रियल USD उसमें कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, इसके स्टिफ भी रखे हैं ऐसी कुछ नहीं है, कॉर्नरिंग वगैरह कर सकते हैं लेकिन और स्टिफ होते और कॉन्फिडेंस आता, बट वही सिटी में फिर थोड़ा तुम लोग को ये करना पड़ता ना, अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता कि गड्ढे वड्ढों में भाई निकालने में स्टिफ है काफ़ी, तो USD रखने के बाद भी ना स्टिफर साइड पे ज़्यादा नहीं रखे, तो ये जो चीज़ इन लोगों ने की है। कॉल कर कॉल आगे चल भाई हंस क्या रहा है तू, पीछे हो जाएगा भी थोड़ी देर। भूमि भाई 10 हॉर्न दिए तेरे को, कंसिस्टेंट ऐसे पी करके दिया, मस्त जा रहा है ओ जवान। बहुत पूरा लग रहा है देख के, एक डंडी कम हो गई फुल से, ओ नहीं थी राइड पे निकले है लंबी, इतने दिन से चला भी हुए हैं फुल पे, इतने दिन क्या मतलब, वैसे फ्राइडे की डिलीवरी थी
ओहो रियल टाइम माइलेज मेरा चेक कर सकता हूँ मैं 37. अरे दिखा तो रहा है नहीं कि एमपी नहीं है, 1 किलोमीटर से ट्रिप वन होने। ओ माय गॉड टायर सही है पीछे का मेरा? पीछे का टायर सही है मेरा? टायर सही है क्या पीछे का मेरा? तो गोबरों को जन्नत मिल गई होगी। मुझे अजीब और अजीब गरीब आवाज क्यों आ रही है आसपास मेरे? बाइक से तो नहीं आ रही बट बीच में से आ रही है कुछ ना कुछ, स्क्रू की टायर कम होने की आवाज। मतलब एक हेलमेट में भी आ जाती है उतनी, तो बाहर की आवाज ऐसे लगता है कि इंटरनल ही है। Swing, you know, sing for the world. ओ भाई साहब, ABS का इंट्रूड क्यों कर रहा है? ब्रेक तो नहीं लगाया, बस उंगली रखी थी। क्या मतलब उंगली रखने से लग गया हो? ऐसा ग्लव्स में भी आदत नहीं है भाई, आदत नहीं है। और GoPro का जन्नत आज लोगे भी, कल भाई ओवर हीटिंग हो रहा था, आज कुछ नहीं हो रहा उसका। काफी अंदर अंदर से रास्ता यार लवासा का, अभी अगर अपन मालशेज जा रहे होते ना तो हाईवे लगता, पर कोई बात नहीं 71 हो गया टोटल ओडो। अरे नहीं, ट्रिप टू आई एफ, ये सब ऑन कब हुए? ओ एवरेज 17 के एमपीएल 17, मेरी क्या गलती? ऊपर डोमिनार ले लेता मैं 400। क्या दिखा रहा है YouTube पे तो बोल रहे थे 36 तो 37 देने लग गए न्यू वाली एनएस। क्या खराब नहीं चलाता, मतलब ज्यादा आरपीएम पे ये नहीं कर रहा, सिर्फ शिफ्ट कर ले रहा हूँ।
अरे रुक दो, अरे नहीं देखना इसको भाई, बार बार रो दूंगा मैं। एक ये भी नहीं है रियल टाइम वाला, इसमें अलग है, वो भी देखते हैं। भाई बाजू में आ दो मेड, घर जा रहा भाई मैं, घर जा रहा हूँ मैं। 17 के एमपील के दिखा रहा है ये, इतनी खराब तो नहीं चला था। 17 के एमपील दिखा रहा है ब्रो, 17 AFE क्या होता है बे? एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2 क्या है? 2 है। अरे दोनों ट्रिप मीटर का अलग अलग दिखाता है शायद, ऐसा कुछ है इसमें। ट्रिप मीटर 1 नहीं देखता हूँ, शिफ्ट करके रख देता हूँ। कितने गंदे हो जाते हैं बे सफेद। ओ गोप्रो तो खुश हो गया भाई आज। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू भाग गई मन को राज राज है गुजारिश। कहने को दिल मुझे नहीं आती लिरिक्स, सॉरी। मुझे डाउट होने लग गया भाई, क्या दिक्कत है ये GoPro कहाँ है, मतलब टाइम लैप्स पे तो नहीं होगा। आई विश बाकी 1080 भी नहीं हो 4K हो तो मज़ा ही आ जाए, वो पता नहीं। आई गेस 4K में ही रखा था। स्ट्रेच पैनल्स भाई, स्ट्रेच हो रहे कॉर्नरिंग करते हो पैंट के, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ तो रेजिस्टेंस कुछ स्प्रिंग जैसा अनलोड होके लोड पर ऐसा लगे।
एक और जिप्सी गाइस, हमारे इधर भी जिप्सी था ना, मैं गया था कुछ दिन पहले। ओह माय गॉड, कहाँ रुक रहे हो? अभी यही है ना भाई, ये वाला एरिया ना पूरा। कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं, पीछे माइक डाल देंगे बैग में तो थोड़ा एग्जॉस्ट का बढ़िया आ जाता है। अभी डिस्कस करते हैं कॉर्नर वॉर्नर करते वक्त। क्या ध्यान जाता कौन पे? मुझे लगा ये करता है, मुझे ये कर रहा है तब से। आसपास होता है इसके, बार बार दिखता है, कॉर्नर दिखता है ना फोन पे, इसके आगे भगाना पड़ता है कि ये करेगा खराब। निकाल दो क्या फोन? नहीं मत निकाल, मत लगे रहने ना, देखना।